हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो आज संडे की मॉर्निंग है और सुबह नाश्ते में बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। तो संडे हो या मंडे, हम हाउस वाइफों को भी छुट्टी नहीं होती और संडे के दिन तो कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं। तो यहाँ आलू उबाल लिए थे, उसमें हरा धनिया, हरी मिर्च काट कर डाल दिया, साथ ही सफ़ेद नमक, थोड़ा सा काला नमक, और ये डाल दिया है गरम मसाला आधा चम्मच से भी कम, और साथ ही भुने हुए जीरे का पाउडर। यहाँ ले लिया है चाट मसाला, और चाट मसाले से ना आलू के पराठे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बच्चे पसंद भी करते हैं। और थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके हाथों से डाल देंगे, अजवाइन पराठे का टेस्ट तो बढ़ाती है, साथ ही डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है, जितना तीखा आप पसंद करते हैं। तो पराठे ज़्यादा तीखे नहीं बना रही हूँ मैं, हल्के तीखे बनाऊँगी क्योंकि हरी मिर्च भी डाल रखे हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से आलू में मिला लेंगे। आपका स्मैशर है तो मैशर का इस्तेमाल कीजिए। मैं इस तरह से चम्मच से सभी आलू को अच्छी तरह से मिला लिया है मैंने। और सुबह उठकर मैंने आटा लगा लिया था पराठे के लिए, नरम आटा लगाया था। और इस तरह से कटोरी का शेप बनाते हुए आलू की स्टफिंग हम मैंने एक चम्मच यहाँ भर दी है, और तवा गरम कर दिया लो टू मीडियम फ्लेम पर। और इस तरह से पोटली का शेप देते हुए हम इस लोई को इस तरह से बंद कर देंगे, और सूखा आटा लगाकर हाथों से हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, और हल्का हल्का बेलन चलाते हुए हम इसे बेल लेंगे। और क्या होता है ना, जब भी हम पराठे बनाते हैं तो हमें आटा इसके लिए सॉफ्ट ही लगाना होता है। तो तवा गर्म करके उस पर हल्का सा घी डाल दिया था, इससे क्या होता है ना, पराठे चिपकते नहीं हैं और फटते नहीं हैं फिर, और चिपकने से ना टूट जाते हैं। तो यहाँ पर घी डाल दिया, पराठे डाल दिए, जब ऊपर से हल्का सा कलर चेंज हो गया तो दूसरी तरफ भी हल्का सा घी लगा दिया है और पलट दिया है इस तरह से। और जब तक पराठा सिक रहा है, दूसरा पराठा भी मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। तो सुबह आज संडे का ब्रेकफास्ट यही है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी मेरे सभी फ्रेंड्स को हैप्पी मदर्स डे, सभी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी मदर्स डे मेरी तरफ से। तो देखिए, पराठा इस तरह से घी लगाकर मैंने दोनों तरफ से लाल सेक लिया है, और नरम और टेस्टी पराठा तैयार है आलू का। और आलू का पराठा तो बच्चे हो या बड़े हो, सभी का फेवरेट होता है। और आलू के होते हैं ना पराठे के लिए दूसरे आलू आते हैं, एक आलू होते हैं ना जो गीले गीले से होती है उसकी स्टफिंग, अक्सर नए आलू गीले गीले से होते हैं, और पराठे के लिए हम दूसरे आलू लेते हैं तो वो उनसे पराठे काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। तो मैं अक्सर पराठों के लिए वही आलू खरीदती हूँ। तो इस तरह से और भी पराठे मैं सेक ले रही हूँ। और गुप्ता जी ऑफिस जा रहे हैं तो उनको मैंने पराठा दे दिया है नाश्ते में, पराठे के साथ दही। और क्योंकि अचार पसंद नहीं करते हैं अधिकतर, तो दही के साथ ही आलू का पराठा सर्व कर दिया उन्हें। और अब बस बच्चे भी उठ रहे हैं, तो बस बच्चे और हम मिलकर अब नाश्ता करेंगे। तो सभी के लिए मैं पराठे इस तरह से बना ले रही हूँ। संडे हो या वर्किंग डे, फिर भी हाउसवाइफ के लिए सुबह का वही रूटीन है, उठ के सभी के लिए नाश्ता तैयार करा। और संडे के दिन तो एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, तो अभी मुझे घर में भी सारे काम निपटाने हैं। और आज तो ऐसे लग रहा है ना कि काम बहुत ज़्यादा हो गया है घर में, कि कपड़े भी ढेर सारे निकले हुए हैं धोने के लिए, और अभी घर की पूरी सफाई भी करनी है मुझे। तो बस सुबह 6 बजे उठी हूँ आज, संडे के दिन ही लगता है ना थोड़ी देरी से उठो तो आधा घंटा और सोने के लिए मिल जाता है टाइम। तो उसके बाद उठने के बाद फिर फटाफट हाथ चलाने पड़ जाते हैं। तो गर्मा गर्म आलू के पराठे, चाय बना ली थी पहले मैंने, और पराठा इस तरह से बना लिया है। और बस अब बैठ कर हम करेंगे नाश्ता। तो बेटा भी नहा कर आ चुका है, और बेटी अभी उठकर पढ़ाई कर रही है, वो अभी नाश्ता नहीं करेगी। तो मैं और अपने बेटे के लिए मैंने पराठे बना लिए हैं, जब वो खाएगी तो गरम गरम पराठे फिर बन जाएंगी, क्योंकि पराठे ठंडे होने के बाद उतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो चाय बना ली थी, चाय ठंडी हो गई थी, तवा गर्म ही था, तो उस पर मैंने चाय का फ्राई पैन रख दिया है, क्योंकि जब तक मैं पराठा नाश्ता करूँगी तब तक चाय भी हल्की गर्म हो जाएगी। तो बस आलू के पराठे तैयार हैं, आइए साथ में आलू के पराठे का नाश्ता करते हैं। बेटी नहाने गई है, और बस मैं नैतिक हम दोनों जा रहे हैं नाश्ता करने। तो आइए साथ में आलू के पराठे का नाश्ता करते हैं।
बस नाश्ता करने के बाद अब घर के काम निपटाने हैं, तो बस अब बिस्तर, सबसे पहले बिस्तर सही कर लूंगी। और देखो आज ना चादर भी धोने के लिए निकाली दूंगी, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है उसमें इतनी आती है घर में कि कपड़े भी इतने गंदे हो जाते हैं इतनी जल्दी, मैले मैले से नजर आते हैं। तो बस आज मैंने बेडशीट भी बदल दी है और पिलो कवर भी चेंज कर दिया है, तो अभी सब भी मैं धो लूंगी। और क्योंकि कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है, वहाँ दूसरे कमरे में मुझे मशीन लगाने की जगह नहीं, क्योंकि वहाँ से आना जाना हो रहा है, तो काफी डिस्टरबेंस हो रही है। नहीं, छोटा सा घर है, मतलब इसी में गुजारा भी करना है हमें, तो बस कुछ कर भी नहीं सकती, काम तो करना ही है, रोज वही काम मैं कर रही हूँ, फिर धूल मिट्टी आ रही है, मतलब आप सोच नहीं सकते, चद्दर कपड़े धूल मिट्टी इतनी हवा के जरिए आ रही है, और ये पूरे फर्नीचर पे फिर धूल की परत सी जम गई है, रोज वही काम करना पड़ता है, रोज वही सफाई, मतलब एक दिन भी मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, लेकिन बस यही जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाए इन लोगों का, फिर कुछ मुझे राहत मिले, ऊपर से गर्मी पंखा भी देखिए किस तरह चल रहा है, मैं पंखा चल रहा है, ऐसे लग रहा है कि हवा तो जिस पंखे को हवा है ही नहीं, पंखा बस नाम के ही चल रहा है, और सर्दियों में यही पंखा ऐसे चलता है कि जरा सभी अगर हम एक पॉइंट पर भी चलाते हैं तो इतनी तेज और ठंडी हवा लगती है, और अब गर्मी में फुल है ये पंखा, फुल पॉइंट पर चल रहा है, और फिर भी ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल हवा नहीं है, गर्मी का हो रहा है, मतलब अंदर से सफोकेशन सी हो रही है, और मतलब बहुत आप समझ सकते हैं गर्मी किस तरह से बुरा हाल करती है हमारा, और इस तरह से ये फ्लोर पूरा मेरा अंदर की साइड है, तो गैस और हवा पास होने की जगह नहीं है, तो अभी सामने खिड़की हमने बनाई है आगे बाथरूम के ऊपर, तो अभी वहाँ थोड़ा काम पेंडिंग है, तो अभी धूल मिट्टी का काम हो रहा है, तो मैं दरवाज़ा खोल नहीं सकती हूँ, नहीं तो दरवाज़ा खोलो तो थोड़ा बहुत तो राहत मिल जाती है, इसलिए अभी दरवाज़ा फिलहाल मैंने बंद रखा है। चलिए काम कैसे मुझे करना है, आगे का काम अब मैं इसी तरह करूँगी। बस अब बिस्तर सही कर लिया है, अब ना उधर बारिश जब हो रही थी तो ठंड सा लग रहा था, और अब कुछ दिनों जब से धूप निकलने लगी है तो गर्मी लग रही है, तो ब्लैंकेट भी मैं अब अंदर ही रख दूंगी इसे, और यहाँ ना धूल मिट्टी की वजह से देखिए सब कुछ पास सोच रहा था, वैसे रोज ही सफाई करनी पड़ जाती, बीच में एक आध दिन छोड़ देती हूँ, तो एक आध दिन छोड़ने में ही फिर से ऐसे लग रहा कि कितना ज़्यादा डस्ट हो गया है, तो मैं आज ही साफ कर दें, क्योंकि आज तो इसको जाना नहीं है, पूरा दिन पड़ा है काम करने के लिए, तो बस यहाँ भी डस्टिंग कर ले रही हूँ मैं। और अब डस्टिंग करने के बाद मैं लगा दूंगी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद सारे काम निपटाऊंगी, इतने सारे कपड़े हैं और कुछ कपड़े बाथरूम में पड़े हैं, सभी कपड़ों को जा रही हूँ कुछ दो दिन तक, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। सारी चीजें व्यवस्थित कर दो तो बच्चों को पढ़ने में भी आराम रहता है, तो बस अब मैं जा रही हूँ काम करने। तो ऐसे लग रहा है कितनी घुटन हो रही है, और ऐसे लग रहा है कि जैसे तूफान सा आ गया लाइफ में, अब मतलब इतनी गर्मी से अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है गर्मी की, और ये हाल है, अभी तो पूरा मई जून जुलाई बाकी है, देखते हैं कैसे क्या होता है। और सारा दिन ही झाड़ू मारने के बाद भी सब पोछा लगा लो फिर भी धूल मिट्टी इतनी आ रही घर के अंदर कि दिन में कई बार मतलब झाड़ू लगाना पड़ जाता है मुझे। और ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ हो रहा है, एकदम कमरे के बाहर ही हो रहा है, जस्ट मेरे कमरे के बाहर ये हाल हो रखा है, और सारा दिन यही हाल रहता है, और फिर इनके जाने के बाद फिर मुझे बाहर फिर से झाड़ू लगाकर पूरा डस्ट फेंकना पड़ता है, और फिर पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि सब कमरे में फिर उसी पैर से कमरे के अंदर आ जाता है, तो इन लोगों के काम करने में दोबारा मुझे करना पड़ता है। और यहाँ पर सुबह नाश्ते के बर्तन थे, बर्तन क्लीन कर लिए, गैस को भी क्लीन कर लिया है, सुबह के काम यहाँ किचन का तो मतलब यहाँ तक हो गया, अब लगा रही मैं पोछा। तो बस पोछा लगाने के बाद अब मैं जाऊँगी कपड़े धो लूँगी, और कपड़े धोने के बाद उसे छत पे मैं डालकर आ गई हूँ,
और यहाँ पर अभी गुप्ता जी का फोन आया था कि लंच पे आ रहे हैं, तो बस मसूर की दाल होती है ना छिलके वाली साबुत, उसे मैंने बना ली, हल्दी और नमक डाल के उबाल लिया है। और यहाँ चावल भिगो दिए थे 15-20 मिनट के लिए धोकर, और एक कटोरी चावल में एक गिलास पानी और इस तरह से एक चम्मच घी डाल दिया है, और बस 2 से 3 सीटियाँ चावलों में लग जाएंगी, चावल भी तैयार। और दाल में लगाऊंगी अब तड़का, तो यहाँ जीरा गरम कर लिया एक चम्मच घी डालकर, उसमें प्याज और हरी मिर्च, एक आधा प्याज था और एक हरी मिर्च, इस तरह से डालकर हल्का गुलाबी होने तक इसे फ्राई कर लिया है। यहीं पर डाल देंगे बारीक कटे हुए लहसुन, तो यहाँ 5 से 7 लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं। और यहाँ जब लहसुन भी हल्के हल्के फ्राई हो गए तो बारीक कटा हुआ अदरक डाल दिया है 1/2 इंच का, और उसे फ्राई कर लिया। साथ ही यहाँ हींग डाल दी है। कभी कभी क्या होता है ना, मैं इस दाल को कुकर में ही एक ही साथ फ्राई करके बना लेती हूँ, लेकिन आज इस तरह से अलग मैंने पकाने के बाद तड़का लगाने की लगाया है। और यहाँ डाल दिया है 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, हल्की सी लाल मिर्च, और ये 1/2 चम्मच से भी कम डाल दिया है भुना हुआ जीरे का पाउडर। गरम मसाला यहाँ ऐड नहीं कर रही हूँ अभी मैं। और यहाँ मसाले फ्राई हो गए थे हल्के, लो फ्लेम पर ही मसालों को फ्राई किया, तो यहाँ टमाटर डाल दिया है, तो एक छोटा टमाटर लिया था मैंने, और हल्का सा 1 चम्मच पानी डाल दिया जिससे ना मसाले जले नहीं, तो बस टमाटर को सॉफ्ट कर लिया। और यहाँ पर नमक डाल दूँगी, दाल पकते समय नमक डाल रखी है, तो यहाँ उसी हिसाब से नमक डाला है कि जैसे नमक टमाटर और प्याज के हिसाब से दाल में बैलेंस हो जाए। बस टमाटर को भी इस तरह से सॉफ्ट कर लिया है और यहाँ दाल पलट दी है। बस अब दाल को अच्छा सा उबाल आने देंगे, उसके बाद गैस का फ्लेम कर देंगे लो और दाल पकने देंगे। तो यहाँ पर लस्सी बना रही हूँ क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है ना, धूप से जब गुप्ता जी आएंगे तो फिर कुछ ठंडा पीने के लिए उन्हें चाहिए होता है, या तो शरबत बना दो, तो आज मैं लस्सी बना रही हूँ उनके लिए। तो चीनी डालकर दही को फेंट लिया है, उसमें हल्का सा भुने हुए जीरे का पाउडर और काला नमक डाल दिया है, इससे ना लस्सी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से इस तरह से फेंट लिया है, और यहाँ पर ठंडा पानी डाल दूंगी मैं इस तरह से, तो पानी जितना मतलब को थिक और पतला रखना हो लस्सी उस हिसाब से कीजिए, तो मैं ज़्यादा पतला नहीं करूँगी। और यहाँ पानी डालकर मिला दिया है, यहाँ थोड़ा सा रोह अफ़ज़ा डाल दूंगी, रोह अफ़ज़े से ना लस्सी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। बस रोह अफ़ज़ा मिला दिया है, अब इसे फ्रिज में रख दूंगी जब तक खाना खाएंगे, उसके बाद फिर मैं लस्सी सर्व करूँ। तो लंच हो गया है, लंच के बाद ये गुप्ता जी के ग्लास में डाल दी बर्फ़, और बेटे को बिना बर्फ़ का ही दूंगी मैं, क्योंकि लस्सी को फ्रिज में रखा था तो लस्सी ठंडी है और गुप्ता जी को थोड़ी ज़्यादा ठंडा चाहिए होता है, तो ये थोड़ा सा रोह अफ़ज़ा ऊपर से भी डाल दिया है। लस्सी भी तैयार है, लंच हो चुका है अब लस्सी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।